सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग में 3 से 4 तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसके अंदर काफ़ी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो UGC नेट के अंदर बार बार पूछी जाती है, जो कॉन्सेप्ट बार बार आता है UGC नेट के अंदर। तो आज हम आपके सामने 3 से 4 तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं, इनमें से करीब 10 से 15 बार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो हम यहाँ पे आपके लिए चुनिंदा ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ 2 वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी, और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था अनुपात का, यानी कि रेशो का, और ये क्वेश्चन हमारा 3 से 4 बार आ चुका है। और अभी जो हमारा रिसेंटली पेपर हुआ था, जून 2019 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे वो हम बिल्कुल आसानी से देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसने दिया है कि 2 संख्याएँ जिनका अनुपात कितना है, 3:5, यानी कि रेशो कितना दिया है, 3:5 दिया है। अगर इसमें से 9 को उन संख्या में से घटा दिया जाए, यानी कि ये जो ऊपर रेशो दिया है इसमें से 9 माइनस कर दिया जाए, तो हमारा जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, 12:23 हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या है कि संख्याएं निकालनी है, दी हुई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पर मान लिया 3x जो संख्या है और दूसरी हमने मान ली 5x। अब इसमें क्या करेंगे, अगर उनमें से 9 को घटा दिया जाए तो इनमें हम -9 कर लेते हैं और यहाँ भी हमने -9 कर लिया। अब देखिए अब जो रेशो है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू 12:23 इसका रेशो हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ गुना करेंगे। 23 है, 23 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 12 है, 12 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 23 × 3x − 9 लिख लिया, इक्वल टू में क्या होगा, 12 × 5x − 9 ये मैंने लिख लिया। अब देखिए अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 23 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 69, ये आ जाएगा 69x आ जाएगा। माइनस में जब हम 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 207 आ जाएगा, इक्वल टू में। अब ये देखिए 12×5 = 60, ये आ जाएगा 60x और 12×9 = 108, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 108 आ जाएगा। अब देखिए अब इसे हम कैसे करेंगे, ये जो 60x है दोस्तों ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ के क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 69 में से जब 60x माइनस होंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, 9x यहाँ पे रह जाएगा। और इक्वल टू में ये देखिए यहाँ पे 207 जो ये है यहाँ पे ये माइनस का है और यहाँ आके क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए प्लस के 207 है हमारे पास और माइनस के 108, तो यानी कि 207 में से 108 जब हम माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास, 99 यहाँ पे इस साइड में रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 99 है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 11 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 99/9 करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, 99/9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखिए
अब 11 11 क्या है हमारी 11x की वैल्यू आई है, और जब ये x की वैल्यू 3x और 5x के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, 3x के अंदर x की वैल्यू रखेंगे तो 11 तीय 33 हो जाएगा, एक जो हमारी जो रकम है वो हो जाएगी 33, और दूसरी क्या होगी 5x की जगह वो 11 रखेंगे तो 11 पंजे 55, यानी कि दूसरी क्या हो जाएगी 55। तो हमारी दोनों के दोनों संख्या क्या होगी, एक होगी 33 और दूसरी होगी 55। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, अच्छे से समझा देंगे। और चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों, उसमें आपको बिल्कुल आसानी से और भी समझ में आ जाएगा अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हुआ है तो। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जुलाई 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, उसी तरीके से हमें करना है। अब देखिए जो संख्या है वो हम एक्स लेके चलते हैं, तो अब देखिए इसमें 2x मान लिया और दूसरी हमने मान ली 5x मान ली। अब देखिए यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए, अब देखिए इनमें हम 16 16 ऐड कर लेते हैं, इसमें 16 ऐड कर लिया और इसमें 16 ऐड कर लिया प्लस में यहाँ पे, अब देखिए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड कर दिए तो इक्वल टू में किसके हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा। अब दोबारा इसमें वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जब दो को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दो को हम जब 2x प्लस में 16 यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, और इक्वल टू में ये 1 है ये आ गया 5x प्लस में 16 यहाँ पे। अब देखिए 2 दुनी 4x, 16 दुनी 32 बराबर में, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा 5x प्लस में 16। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ये जो 4x है इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा दोस्तों, यहाँ हमारे पास केवल x रह जाएगा, यानी कि 5x में से जब 4x जाएगा तो 1x रह जाएगा। और ये जो 16 है दोस्तों, 16 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये यहाँ पे क्या रह जाएगा, हमारे पास 16 रह जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पे 16 वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए x यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। और अब देखिए अब जो रियल जो हमारी संख्या है वो निकालते हैं, 16 को जब हम 2x और 5x के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे तो 16 दुनी 32, एक जो संख्या है वो हमारी 32 आ जाएगी और दूसरी क्या होगी, 16 गुना में 5 करेंगे तो 16 पंजे 80, दूसरी क्या आ जाएगी हमारे पास 80। तो दोनों की दोनों जो संख्या वो क्या हो जाएगी, एक तो 32 हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 80। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा जून 2019 के अंदर आया था। अब ये देखिए ये थोड़ा सा उनसे अलग है लेकिन बिल्कुल आसान है। इसमें कहा है कि यदि 152 को 3, 4, 5 और 7 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाता है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटा भाग क्या होगा। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि एक संख्या है हमारे पास 152 टोटल, और जो अदर जो संख्या है, जो 4 संख्या से मिल के ये 152 बना है, तो उनका जो अनुपात है 3, 4, 5, 7 इन्होंने अनुपात दिया हुआ है। तो ये कह रहा कि सबसे छोटा जो पार्ट है, यानी कि सबसे छोटा 3 है यहाँ पे, 3 की रियल वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, 3, 4, 5 और 7 इन सभी को आप काउंट कर लीजिए, ये कितना होगा, ये हमारा होगा दोस्तों 19 हो जाए। 3, 4, 5 और 7 ये होता है 19 होता है, ये मान लिया हमने 19x हमने मान लिया। अब देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 152/19। अब देखिए दोस्तों 152 को जब हम 19 से कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, अभी देख लेते हैं, मैं डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा 8 आएगा दोस्तों। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 8 आ जाएगी, और जब हम 8 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 3 24, यानी कि 24 इसका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम अगले तरह का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
ये देखिए ये थोड़ा अलग टाइप है, ये अनुपात का टाइप नहीं है, ये अलग टाइप आ गया है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है कि ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा हमें फॉर्मूले वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हम ये क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। 1 से 45 तक की उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित हो एक आरोही क्रम में रखा गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसने कहा है कि द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 45। ऑड नंबर कौन से होते हैं दोस्तों? जो 3 से डिवाइड होते हैं। और इसमें कहा है कि विच आर एग्जैक्टली डिवाइड बाई 3, यानी कि जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं उनको हमें काउंट करना है, और 1 से लेके 45 तक हमें काउंट करना है। और आगे देखिए इसने क्या कहा है, द नंबर एट 6th पोजीशन, जो 6ठे नंबर पोजीशन पे जो आए वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा। अब देखिए इसके अंदर ऑड नंबर कौन से होते हैं, यानी कि 3 की काउंटिंग हम कह सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15 और 18। अब देखिए ये सभी के सभी 3 से डिवाइड हो रहे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि 6ठे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी। 6ठे नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ठे पे क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। इनमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना और ना ही कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारा दिसंबर 2013 के अंदर आया है। ये भी देखिए ये भी बिल्कुल आसान है। इसने कहा है कि निम्नलिखित सीरीज, ये इन्होंने एक सीरीज दी है इतनी बड़ी, इसमें क्या करना है कि कितने युग्मों के बीच में 2 का अंतर है। अब हमें ये ऐसी डिजिट देखनी इनके बीच में कि जिनके अंदर डिफरेंस 2-2 का हो। अब देखिए ये देखिए 6 और 4, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। फिर आगे हम देखते हैं कि 5 और 3 के बीच में अंतर है। अब देखिए 8 और 6, इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। तो इस तरह से हमें डिजिट देखने कि ऐसे कितने डिजिट बनती है हमारे, कितने युग्म बनते हैं जिनके अंदर 2-2 का अंतर है। तो दोस्तों आप ये बिल्कुल आसानी से देखना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, करके देखना, आपको आसानी से ये आंसर आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारा दोबारा फिर दिसंबर 2013 के अंदर ही आया था। 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है कोई व्यक्ति है, जो 0 से लेकर 99 तक संख्याएं लिखता है, उसके बाद क्या करता है? इसमें अंक 3 कितनी बार आया। अब ये कह रहा है कि 3 जो है वो कितनी बार आता है वो हमें पता करना है। अब देखिए 3 कैसे कैसे आ सकता है, जैसे 3 आ गया, 13 आ गया, 23 आ गया, और फिर क्या आएगा, जैसे 30 आ गया, 31 आ गया, 32 आ गया। इस तरीके से ये कह रहा है कि 3 जो है वो कितनी बार काउंट हुआ है ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आप करके देखना, सोच के देखना, आ जाएगा। इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि हम इसमें कोई फॉर्मूला लगाए या इसकी कोई ट्रिक है, तो ये बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। और अगर फिर भी आपको नहीं आए तो मैं कह रहा हूँ कि आप हमें व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पर, हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। पहले वाले क्या थे, हमारे रेशो के क्वेश्चन थे और सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन क्या है कि ये थोड़े हमें पजल कर देते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसमें क्या कहा गया है। यादव, अर्जुन, राजेश तथा कमल क्रिकेट खेलते हैं। राजेश तथा कमल टेनिस खेलते लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। यादव बैडमिंटन नहीं खेलता परंतु गोल्फ खेलता। अब देखिए कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इसका सही से आंसर क्या है। लेकिन अगर हम इसे सही सिस्टमेटिक ढंग से करें तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसके लिए हम शुरू से ही एक टेबल बना के चलते हैं ताकि हमें आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां से पढ़ते हैं, यादव, अर्जुन, राजेश तथा कमल क्रिकेट खेलते हैं, तो इनकी हम टेबल बना लेते हैं। यादव को हम लिख लेते हैं वाई, लिख लिया हमने। उसके बाद में अर्जुन, ये हमने लाइन लगा ली, फिर लिख लिया हमने ए, ए की फिर ये लाइन लगा ली हमने। उसके बाद में राजेश, राजेश का आर लिख लिया, फिर ये लगा ली हमने लाइन। उसके बाद में कमल, कमल का हमने लिख लिया के, फिर हमने ये लाइन लगा ली। ये क्या है कि चारों के चारों क्या है, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के लिए ऊपर से हम इस तरीके से टेबल बना लेंगे। ये हमने बना ली और यहाँ पे ऊपर हम लिख लेंगे यहाँ पे क्रिकेट, यानी कि सी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये चारों के चारों क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं कि ये सभी के सभी खेलते हैं क्रिकेट। उसके बाद में देखिए राजेश तथा कमल टेनिस खेलते हैं। अब देखिए राजेश और कमल क्या है, वो टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस का हम यहाँ पर
कॉलम बना लेते, ये बना लिया। राजेश और कमल टेनिस खेलते तो इनके आगे टिक कर देते हैं। उसके बाद क्या है, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। अब फुटबॉल का यहाँ पे ये बना लेते हैं, फुटबॉल का हम लिख लेते हैं एफ़, फुटबॉल ये दोनों के दोनों नहीं खेलते। उसके बाद क्या है, यादव बैडमिंटन नहीं खेलता परंतु गोल्फ खेलता है। अब देखिए दो चीज़ और रही आ गई यहाँ पे, एक बैडमिंटन आ गया एक गोल्फ आ गया, तो इनका भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हमने बी बना लिया बैडमिंटन का और जी बना लिया हमने गोल्फ का। अब देखिए इसमें ये क्या कह रहा है कि यादव जो है बैडमिंटन नहीं खेलता। यादव ये रहा हमारा, बैडमिंटन ये रहा, इस पर हम कट कर देते हैं। बैडमिंटन नहीं खेलता परंतु गोल्फ खेलता है, गोल्फ के आगे हम टिक कर देते हैं। अब देखिए आगे क्या है, अर्जुन टेनिस नहीं खेलता। अब देखिए अर्जुन कहाँ है, अर्जुन हमारा ये, अर्जुन जो है टेनिस नहीं खेलता, तो यहाँ पे हमने जो क्रॉस कर दिया। उसके बाद में कि ये फुल स्टॉप है दोस्तों, गलती से हो गया। कमल कभी कभी बैडमिंटन खेलता है, कमल क्या है वो बैडमिंटन खेलता है। कमल कहाँ पे हमारा, ये रहा कमल, कमल क्या है बैडमिंटन खेलता है, ये यहाँ पे हमने इस पर राइट क्लिक कर दिया। अब देखिए कौन केवल क्रिकेट खेलता, अब हमें बताना कि ऐसा कौन सा बंदा है जो केवल और केवल क्रिकेट खेलता और कुछ नहीं खेलता, वो हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे ग्राफ में देखिए जो केवल क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट का हमारा ये कॉलम है, इसके अंदर केवल क्रिकेट खेलने वाला कौन है, ये देखिए ये हमारा अर्जुन है, ठीक है। अर्जुन केवल और केवल क्रिकेट खेलता है और कुछ भी नहीं खेलता, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ये रहा अर्जुन कुल अस। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई, ये पूरी की पूरी टेबल से हमारा जो आंसर है बिल्कुल आसानी से आ गया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन करना है एग्ज़ाम के अंदर, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा अभी तक दो बार आया है और अब की बार भी मेरे को शक है कहीं ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए, तो मैं करवा देता हूँ। ये देखिए जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से सतत प्रकार के डेटा की पहचान कीजिए। सतत प्रकार का डेटा वो होता है जो कंटिन्यूस चलता रहे, उसे हम कहते हैं। अब देखिए कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जो चलता रहे, जिसका कोई पैटर्न ना हो, उसे हम कहेंगे। अब देखिए इसमें किस तरह से इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए। एक व्यक्ति द्वारा बोले जा सकने वाली भाषाओं की संख्या, अब देखिए एक व्यक्ति है उसकी संख्या को हम काउंट कर सकते हैं अच्छे से, हमें पता है कि कोई व्यक्ति दो बोलता है, चार बोलता है, कितनी बोलता है, ये हमें पता है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। उसके बाद में घर में बच्चों की संख्या, ये भी हम अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक घर में चार बच्चे, दस बच्चे, कितने बच्चे, वो हमें सभी का पता होता है। अब आगे कि शहर की जनसंख्या, ये भी हम अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि एक शहर की संख्या कितनी है, इतने लाख जनसंख्या है। अगला है हमारा एक कक्षा में छात्रों का वज़न, अब देखिए ये हमारा ऊपर नीचे हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कंटिन्यूस तरीके से बढ़ सकता है और घट भी सकता है। तो ये देखिए जो वज़न है वो हो सकता है किसी का मान के चलते कि 40 किलो हो, दूसरे बच्चे का 40.5 किलो हो, तीसरे बच्चे का 35 किलो हो, तो ऊपर नीचे ये इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से कंटिन्यू हो सकता है। ये हम ये नहीं कह सकते कि एक क्लास है उसके अंदर सभी बच्चों का वज़न है वो 45 किलो है, ये ऐसे हम नहीं कह सकते, बिल्कुल सही रूप से इसको नहीं कह सकते। तो इसका जो आंसर होगा ये कक्षा में छात्रों का वज़न, इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करें दोस्तों, हमारी तरह से इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर किसी दोस्त को इस क्वेश्चन का आंसर देने का और भी कोई तरीका पता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से यही एक तरीका, इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।